और उसके बारे में अफवाह बहुत गंदा और गलत फैला दिया गया था, जो कि यहाँ आने के बाद हमको ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। और उसी को हवा सुनकर बहकावा में आकर हमने यहाँ अपने बयान से जो भी क्षति या नुकसान हुआ, जो भागदड़ हुआ, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ दिल से। और बिहार पुलिस से जो मैं आज तक बोलते आया हूँ, मैं उसके लिए दोनों कान पकड़ के मैं क्षमा मांगता हूँ। और बिहार पुलिस को वर्दी को मैं सम्मान करता हूँ और अंतिम सांस तक मैं करूँगा। चंदा कितना इकट्ठा किए हैं? चंदा इकट्ठा करके आप फॉर्च्यूनर से आए थे यहाँ? देखिए आप बाबा साहब को मानने वाले चंदा कहाँ से इकट्ठा करते हैं? कैसे कानून का आपने फंडिंग कौन किया? फंडिंग समाज 5, 10, 20, 50 करते हैं। प्लानिंग के तहत किए थे आप? जी सर, प्लानिंग के तहत किए थे, प्रायोजक था, पहले से ही करना था इस तरह से? नहीं सर, प्लानिंग नहीं, जिसे बोल तो रहे हैं कि यहाँ जैसा अफवाह मीडिया में चल रहा था और यहाँ आने के बाद पता चल गया, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं। चंदा क्या करते हैं जी? आप ऐसा बार बार कर चुके हैं, आप क्या करते हैं पैसा का वसूल? कानून को आप पुलिस वाले को समझाते रहते हैं बार बार के लिए कानून? मैं बोला तो कि जो अभी तक जो कुछ मैं बोलते आया हूँ, मैं दोनों कान पकड़ के क्षमा जाता हूँ। और बिहार पुलिस हमारे सम्मानित हैं और दिल से मैं अंतिम साथ सम्मान करते हैं। गोल्डन जी, आप बाबा साहब को मानते हैं ना, जय भीम का नारा, तो आपने कानून के विरुद्ध जाके इस तरह से कैसे आपने? मैं उसी को जो गलती किया और जो कानून जो प्रक्रिया है, जो कानूनी कार्रवाई है हम पर करें, हम उसका सजा काटने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज से मैं सभी मीडिया के सामने बोल रहा हूं कि आज के बाद से वो बिहार पुलिस हो या हमारे सिपाही साहब हों, किसी के विरुद्ध अगर एक भी शब्द मेरा अगर उल्टा निकला तो उसका मैं भुगतूंगा। इस घटनाक्रम के बाद में लगातार राजनीतिक दलों का उस घटनास्थल पे और उस ग्रामीण गांव में लगातार आना जाना हो रहा था। उसी क्रम में कल एक नवयुवक हैं जिनका नाम गोल्डन दास है, वो वहां कल आए हुए थे अपने समर्थकों के साथ में और उन्होंने वहां पे काफ़ी उग्र तरीके से अपने भाषण को रखा, जिससे इनके समर्थक उत्तेजित हो गए और इनके समर्थकों के द्वारा लगभग 5 से 6 घरों में जाके तोड़फोड़ की गई। एक तो जो आरोपी थे जिनको गिरफ्तार किया गया था मिथिलेश राम, उनके घर के बाहर जो सामान पड़ा था उससे तोड़फोड़ की गई और जो उनके पड़ोसी थे उनके घरों में तोड़फोड़ की गई। और चूंकि वहाँ पर पुलिस बल मौजूद था तो जैसे ही ऐसा मूवमेंट हुआ तो 5 मिनट के अंदर पुलिस ने अपना एक्शन करना शुरू कर दिया। हम लोगों ने हल्का बल प्रयोग किया और वहाँ से उन लोगों को हटाया। उस क्रम में हम लोगों ने 16 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिसमें से जो इसके मुख्य अभियुक्त हैं जिनका नाम गोल्डन दास, उनकी भी गिरफ्तारी की गई। जब उनका आपराधिक इतिहास हम लोगों ने देखा है तो अभी तक कुल मिला के 23 केस उनके ऊपर गया जिले, औरंगाबाद जिले और जहानाबाद जिले में हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। बाकी 2 केस पटना में भी हैं, रूपसपुर थाना से भी ये जेल भेजे गए थे। 1 केस अभी गया के खिजसराय थाने में भी है, जो अभी रिसेंटली इसी साल 2024 में हुआ है। और अभी तक की जानकारी के हिसाब से वो अभी 4 कांडों में वो वांछित भी हैं, जिसमें वो बेल आउट नहीं है, वांटेड है। तो हम लोग अपने यहाँ भी इसमें 2 कांड प्रतिवेदित हो रहे हैं, जिसमें एक पीड़ित पक्ष है जिनके घरों में लूटपाट सामान तोड़ा गया है वो लोग कर रहे हैं। दूसरा कांड पुलिस दर्ज कर रही है, चूँकि पुलिस के ऊपर भी इन लोगों के द्वारा रोड़ा पत्थर चलाया गया था। तो इस कल वाले घटनाक्रम में कुल 16 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और इसमें हम लोगों ने 2 व्हीकल भी हम लोगों ने जब्त किए हैं, जिसमें एक फॉर्चूनर है जिससे आए थे, इसके अलावा एक पिकअप है और 38 मोटरसाइकिल्स जो वहाँ से हम लोगों ने जब्त की हैं, जो उनके समर्थकों की थी। हम सारी जितनी बाइक जब्त की गई हैं उन सभी का सत्यापन करा रहे हैं और इसमें जो फर्दर कार्रवाई की जाएगी